चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा दिन ब दिन भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर बढ़ता ही चला जा रहा है और इनकी फिल्में भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही एक नया रिकॉर्ड बनाती है। खास करके पवन सिंह के गाने अब YouTube के ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन हासिल करती रहती है, तभी तो इनकी फिल्मों की डिमांड अब बढ़ती चली जा रही है। इसी कड़ी में सुपरस्टार पवन सिंह का ब्रांड न्यू अपकमिंग भोजपुरी मूवी सात महरिया का मुहूर्त मुंबई में धूमधाम से संपन्न किया गया। जी हां, आपको बता दें कि पवन सिंह की अपकमिंग भोजपुरी मूवी सात महरिया में पवन सिंह बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सात महरिया का कुछ सैंपल पोस्टर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। फिल्म का सैंपल पोस्टर जारी होते ही भोजपुरी दर्शक इसे भारी मात्रा में शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पवन सिंह के इस सात महरिया पोस्टरों को भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि सात महरिया हैप्पी फिल्म्स एंटरटेनमेंट और आयुषी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाई जाएगी। फिल्म के निर्माता धनंजय सिंह व सत्येंद्र तिवारी हैं, तो वहीं फिल्म के निर्देशन की कमाल संभाली है देवेंद्र तिवारी ने। आपको बता दें कि पवन सिंह सात महरिया के अलावा विजय पथ भी मूवी का मुहूर्त किया गया है, यानी शादी के बाद पवन सिंह की लगातार दो और फिल्मों का मुहूर्त किया जा चुका है और दोनों ही फिल्मों में पवन सिंह अलग अलग किरदार में भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि सात महरिया में किस एक्टर्स को साइन किया गया है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद जा रही है कि पवन सिंह अपने सबसे पसंदीदा हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ सात महरिया में नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट पवन सिंह या सात महरिया की टीम की तरफ से नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पवन सिंह की जोड़ी एक बार फिर से अक्षरा सिंह के साथ सात महरिया में नजर आए।